ये वादी है बहुत खूबसूरत सी। अब इसको अलविदा कहने का टाइम आ चुका है और अब हम जो है थल बाजार की जाने रवाना। जीप में हम बैठे सवारी को गाड़ी निकालते हैं थल बाजार से। ये सामने को व्यू कुछ ऐसा है, हमने उसको 15 आखिरी वीडियो मैंने यहीं पे शूट करी, यहीं पे ख़त्म करी है। और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सैयद हादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी खड़े हैं जंगलात में। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों ने खेमे भी लगाए हुए हैं, मगर जाहिर सी बात है हमने पूरा हट रिजॉर्ट टाइप करा है। पीछे भी बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है और यहाँ पर बहुत खूबसूरत सीनरी है। ये हमारा होटल का रूम है, यहाँ से कुछ बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। रात को शीशे पे फ्रॉस्टिंग हो गई थी, अगर आप गौर से देखें तो ये सारी शीशे पे फ्रॉस्टिंग है, सारी फ्रॉस्टिंग हुई भी है। यहाँ चेयर्स पड़ी हैं और ये सामने का कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है हमारे होटल से, जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा और बहुत दिलकश लगता है। इसके बाद हम आपको चल के ज़रा सा और दिखाते हैं। रात को हमें होटल वाले ने अपनी डिवाइस दे दी थी, जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट जो है वो चल पड़ा था। और ये बड़ा दरिया के करीब हम आपको सुबह सुबह का टाइम है, आज दरिया पे हमारा आखिरी दिन है। होपफुली हम रात तक इस्लामाबाद में होंगे। यहाँ से इस्लामाबाद का सफ़र तकरीबन 8 घंटे का होता है। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, वो देखें बर्फ़ में ढके हुए पहाड़, बड़े खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं। इतने खूबसूरत दरिया बह रहा है यहाँ पे। बस ये दरख्त पड़े हुए होते हैं जगह जगह, और ये दरख्त भी ऐसे कोई दरख्त नहीं है। यू कैन आप देख सकते हैं कि किस तरह इस दरख्त की जो जड़ें हैं वो बाहर आ चुकी हैं, यानी कि वो दरख्त यहाँ पे लगा हुआ था, मगर इसने बताया हमें अभी कि सैलाब आया था अभी, जिसकी वजह से दरख्त जो है वो अपरूट हो गया। और ये सामने लोगों ने बहुत सारे कैमे लगाए हुए, बहुत सारे कैमे। बाकी अब इस पे दरिया पे चल, इस पे ये वॉल एक तरह से बनी है, यहाँ पे नीचे पानी है, इस तरफ भी ये पानी मगर ठहरा हुआ है, इस तरफ भी पानी है। और यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ पे देखें पानी है ना, यहाँ तक फ्लो कर रहा है, यहाँ से आहिस्ता जा रहा है और यहाँ से आहिस्ता जा रहा है और वहाँ से सामने से पूरा आ रहा है और यहाँ पे फुल स्टेबल हो गया और फिर यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ से लोग नीचे भी गए हैं, नीचे जाके तस्वीरें बनवाई हैं, फिर जाहिर सी बात है हमको नीचे थोड़ी ना जाना है, हमें सीधा ही जाना है। हम सीधा चलते। अच्छा, और एक और बात, यहाँ पे बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा, लाइक आप भी नहीं बता सकते, लिटरली कोई लोकल भी नहीं बता सकता कि ना यहाँ पे बारिश होती है। ये आप चेक करें, ये कुछ व्यू है, पीछे देखें यार क्या बर्फ के ढके हुए पहाड़ हैं। ओह माय गॉड, यही तो खूबसूरती होती है, यही खूबसूरती होती है यार, बिल्कुल एग्जैक्टली यही खूबसूरती होती है जो कि इंसान को फुल पसंद है। देख रहे हैं आप लोग, चेक करें, यही होता है जो ग्लेशियर में तब्दील होके बाद में बन जाता है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
वैसे परिंदों को तो टेंशन भी नहीं लेनी होती होगी, परिंदे जाते होंगे कहीं भी घूमते घूमते, कभी कराची चले गए, कभी कहीं और चले गए, कभी कहीं और चले गए हैं। कुछ रिश्तेदार उनके कराची में और कुछ इस्लामाबाद में, कुछ यहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ में। बाकी आप ऐसे भी पॉट्स ले सकते हैं, और जाहिर सी बात है हमारा जो पूरा ये हट है ये तो अपना ही अपना ही एक लाइफ स्टाइल है ना, ये तो फिर घर तो घर होता है ना यार, घर के यज्ञ यहाँ पर घर ही। अब ये छोटे छोटे पॉट्स हैं, फुल छोटे छोटे, इससे अच्छा बंदा ये ना ले ले। और लिटरली कितने इतने ज़्यादा भी नहीं मांग रहे, ये 11,000 रुपये फी दिन का मांग रहे हैं, तो हम लोग 2 दिन रुके, तो जाहिर सी बात है हमने 22,000 रुपये दिए हैं। बाकी यार व्यू बहुत प्यारा है, और आप दरिया की आवाज़ सुने तो आपको लगे कि यार बस पानी के साथ ना बहता रहे इंसान, सुनता रहे। अच्छा, और एक और बात ये कि यहाँ ज़्यादा कोने पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि यू नेवर नो ना, ये जो है ना, ये देखें यहाँ से ना, ये पूरा ना किसी वक्त गिर सकता है। अभी तो आपको स्टडी लग रहा है, मगर इट कैन फॉल एनी टाइम। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे लोग खड़े हुए होते थे, कभी खड़े हुए होंगे, यहाँ से भी गिरा हुआ है, यहाँ से भी गिरा हुआ है। तो आप जो है ना ज़्यादा उस तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने सिर्फ पानी को रोकने के लिए इतनी सारी बेड रॉकिंग करी है, यानी इतने सारे रॉक्स डाले हैं। बाकी यार यही व्यू है, बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत व्यू है। ये मेरा ख्याल नहीं है कि इतना अच्छा आपको और कहीं मिल सकता है। मेरे ख्याल से कुमराट इज़ अ वेरी गुड प्लेस। सिरीपाय भी हम गए थे, मगर सिरीपाय भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर सबसे पहली बात आपकी प्राइवेसी है, फैमिली प्राइवेसी है। देखें यहाँ पे ना हमने जो होटल किया ना उसमें सबसे बड़ी बात जो है 11,000 रुपये जो हमने दिए ना वो दिए फैमिली प्राइवेसी के। यहाँ पे ना कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी फैमिली को कोई मसला नहीं होगा। आप बाहर निकल के बैठो, इन्जॉय करो अपनी फैमिली के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर आपको हर वक्त ना घूर रहा है, देख रहा है। अब नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बार बार कोई लोकल गुजर रहा है तो आपकी फैमिली को परेशान होना पड़े, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सुकून है, बिल्कुल सुकून। ये देख रहे हैं आप दूर दूर तक, ये मेरा भाई है, दूर दूर तक इसके अलावा ना कोई भी नहीं है, कोई ही नहीं है, लिटरली कोई नहीं है। और हमने लिया भी कोने का है तो कोई आता भी नहीं है, यही फ़ायदा है यार। बस आज इस्लामाबाद के लिए रवानगी है, आप लोगों को मैं टुकड़े टुकड़े बाद अपडेट करता रहूँगा, या वैसे भी अपडेट रखूँगा। शुक्रिया। अभी जो है हम बज रहे हैं 8 बज रहे हैं, 8:23 हो रहे हैं, हम 8 बजे उठ गए थे। मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, अपना शर्ट वर्ट चेंज कर लिया, पीछे मेरे पहाड़ वहाड़ देख सकते हैं। बाकी ये दरख्तों का पूरा सीन है, ये आप पहाड़ वहाड़ भी देख सकते हैं। अभी जो है मैं एक वीडियो बनाने लगा हूँ, अभी फ़ोन पे, और यहाँ पे मैंने पूरा सेटअप लगा दिया चेयर और उसका। अब यहाँ पे एक वीडियो बनाता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता है। अभी सुबह सुबह अंडा टमाटर और गर्मा गर्म पराठों का नाश्ता चल रहा है हमारा, मज़ेदार से पराठे गर्मा गर्म, और ये मज़ेदार से अंडा टमाटर, इसका नाश्ता चल रहा है। अभी वीडियो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा था, अभी वीडियो जो है मेरी रिकॉर्ड हो चुकी है। अब फ़ोन जो है मैं निकाल लेते हैं, ये जो है एक अलग सी एक वीडियो मेरी आएगी जिसके अंदर आपको सारे स्कैम्स पता चलेंगे, जीप स्कैम्स इन पाकिस्तान जो के सारे होते हैं। बाकी वो देख सकते हैं, पूरे बर्फ़ के ढके हुए पहाड़ हैं वहाँ पे, और यही सीन है यहाँ पे। अभी हम लोग 2-4 फोटोज़ खिंचवाएंगे और बस फिर निकलेंगे करेंगे, क्योंकि जैसे हमें 9 बजे का टाइम दिया है, तो फिर 9 बजे के बाद फिर हम निकल लेंगे करेंगे। चलें जी, उसे बोलते बोलते 9:30 हो चुके हैं, और अब हम फाइनली एग्जैक्टली टाइम 9:24 हो रहे हैं, और 9:30 बजे जो है हम जीप में बैठ के रवाना हो जाएंगे। मेरे जेब में होटल की चाबी है, होटल की चाबी उसको हैंड ओवर करेंगे, फिर यहाँ से निकलने की करेंगे। यही वादी है बहुत खूबसूरत सी, अब इसको अलविदा कहने का टाइम आ चुका है, और अब हम जो है थल बाज़ार की जाने रवाना है। देख रहे हैं इनका जनरेटर का सेटअप है, और यही सीन है, ये जनरेटर है और जीप हमारे सामने खड़ी है, और हम जीप में बैठ, जीप में हम बैठ चुके हैं। सॉरी वो अभी तक कहने का टाइम आ चुका है।
जी फाइनली अंथल बाजार जाओ पहुँच चुके। दिस वॉज आर ड्राइवर, करूँगा आप इसे या इसके ग्रुप को लें, बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगा, मत लीजिएगा। वी हैव रीच थल बाजार। चलें जी फाइनली हम लोग गाड़ी में पहुंच चुके हैं, ये इस गाड़ी से सामान निकाल दिया हमने इस गाड़ी पे और हम लोग पहुंच चुके हैं। इधर हमने खड़ी करी है और ये वो बंदे जिनके साथ आपको बिल्कुल भी नहीं आना। गाड़ी निकालते हैं थल बाजार से, ये सामने गोभी कुछ ऐसा है, हमने उसको 15,000 रुपये दिए, 16 मांग रहा था, अब 15 दिए, अब निकलते हैं यहाँ थल बाजार से। जी अखरोट है, ये जा रहा है टिक्की, ये हम आपको सॉरी चेरी कह रहा हूँ, ये आलू चाय। और एक भंड हो गया मुझसे, मैंने मुझे 100 रुपये दिए गए थे।